नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैंने ये जो जेड के प्लांट धूप में रखे हैं इनको पानी दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सूख गए हैं और इनको पानी की जरूरत है, क्योंकि इनको बहुत दिनों से धूप में रहने की आदत नहीं थी। तो थोड़ा पानी दूंगी और इनकी जो लीव्स है वो भी थोड़ी क्रिंकली सी हो रही है, तो मैं सबको अच्छे से पानी दे देती हूँ। एक एक करके पूरा पानी भर जाएगा और अभी यहीं साइड में रखती रहती हूँ। एक बार पूरा उसमें से पानी निकल जाए फिर मैं उसको आगे वापस उसकी जगह पे रखूंगी। धीरे धीरे सारे रख रही हूँ। अच्छे लग रहे हैं ना, थोड़े टच करने से भी स्टिफ स्टिफ लगते हैं, नहीं तो ऐसे सॉफ्ट से हो रहे थे, मुझे तो डर ही लग रहा था। अभी विंटर आएगी तो फिर और तकलीफ होगी, पर यहाँ ज्यादा धूप में रखने की एक प्रॉब्लम होगी कि कुछ पत्तियां जल गई हैं। तो देखो हो जाएगी मेरे पौधों को आदत थोड़े दिन में, और थोड़े दिन में तो एकदम फुल फ्लेश ठंड आ जाएगी, तो वैसे ही धूप नहीं आएगी। ये देखो धनिया के बीज उगे ही नहीं है, फिर भी पानी डाल के देखती हूँ। ये पालक है, कुछ बीज उग रहे हैं कुछ बीज नहीं उग रहे हैं। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, मैं थोड़ा इंटरनेट पे रिसर्च किया तो उसमें ऐसा था कि ये इसे लाइट नहीं मिल रही है तो इसलिए ऐसे हो गए लीव्स, तो मैंने धूप में रख दिया, तो कुछ सूख गए हैं और कुछ ठीक हो रहे हैं। तो ये देखिए ये वाला भी मैंने नया लगाया था, इसमें कुछ पत्तियां हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं, तो उसको भी थोड़ी देर धूप में रखा था। आज मैं मूली को ट्रांसप्लांट करूंगी, जो सीडलिंग्स है उनको लगा रही हूँ। तो मेरे पास अलग कोई बड़ा कुछ था नहीं, तो इसी गमले में मैंने मिट्टी, थोड़ा सा कोकोपीट और थोड़ी खाद मिला रही हूँ। ऑल दो मिट्टी मूली को थोड़ी खाद कम चाहिए, पर फिर भी ये जो मिट्टी है उसमें कुछ भी न्यूट्रिएंट्स नहीं थे, ऐसे ही रखी थी, तो उसके लिए मैंने उसमें डाल दिया और इसी गमले में मिक्स कर रही हूँ। कोकोपीट इसलिए डाला है ताकि मेरी मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट रहे और हल्की रहे, क्योंकि मेरा गमला, मतलब हम बालकनी में रहते हैं तो थोड़ा हैवी हो जाएगा गमला, तो मुश्किल होगी इधर उधर खिसकाने में। अभी मैं इसी बालकनी में रखूंगी, फिर धीरे धीरे दूसरी बालकनी में शिफ्ट करूंगी, क्योंकि मूली को बहुत सारी धूप चाहिएगी तभी वो उगेगी। यही कोशिश कर रही हूँ, मिट्टी और उसका प्रोपोर्शन कुछ कुछ मिला रही हूँ, मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है, अंदाजे से ही मिला रही हूँ। बाकी मैंने जितना रिसर्च किया था मूली को इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए, ऐसा मैंने पढ़ने में आया था, बट देखो क्या होता है। मैं फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ, भगवान जी का नाम ले रही हूँ और लगा रही हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सीडलिंग्स हैं वो थोड़े ज्यादा हैं, अब पता नहीं जितने आएंगे उतने लगाऊंगी, फिर बड़ा गमला लेकर आऊंगी फिर लगाऊंगी, वही मैं लगी पड़ी हूँ। मैंने वैसे उंगली से छेद कर रही हूँ, बट आपको मैं बोलूंगी इससे मत करना, कुछ चीज टूल ले लेना, मुझे कुछ मिला नहीं, कुछ पेचकस या पेंसिल या कुछ लेके उससे आप इसको करना, क्योंकि फिर नाखून के बीच में मिट्टी आ जाती है और ठीक से होल भी नहीं होता है, तो इसलिए कुछ अच्छा टूल रहने से अच्छा रहता है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कैसे इसको प्लांट करते हैं, मैं अपने अंदाजे से ही कर रही हूँ। आई होप कुछ अच्छा ही इसका रिजल्ट आए। अब ये गमला भर गया है, मेरे पास ये खाली पैकेट था, आटा आता है जिसमें, उसी को मैं उल्टा करके उसमें मिट्टी भर रही हूँ। अब इसमें होल करने चाहिए थे, बट होल मैं इसमें बाद में करूंगी, अभी नहीं करूंगी वो लिस्ट में। एक बार थोड़ी मूली सेट हो जाए फिर करती हूँ। अब ये सीडलिंग निकाल रही हूँ, कितने आते हैं कितने नहीं, लेट्स सी। ये करके मैं इसमें भी लगा रही हूँ और साइड में गमला है उसमें भी लगा दूंगी, जितनी है उतनी लगा दूंगी और बाकी इसी ट्रे में रहने दूंगी, फिर थोड़े दिन बाद देखती हूँ क्या करते हैं। कुछ कुछ बीच में से ना बीज निकल रहे हैं जो स्प्राउट हुए हैं, वैसे उनको मैं ऐसे ही ऊपर रख रही हूँ। ये पूरा मैंने मैश कर दिया है, कुछ पैकेट में फट गया था और कुछ नहीं, मेरा पानी देने का मग्गा दोनों ही गायब हो गए, छेद वाला बिना छेद वाला। तो ये कोई छोटी सी कैप मिली है उसी से पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी लगाया तो उसमें पानी डालने की जरूरत है,
और ये जो गेंदे का पौधा है इसको भी रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब इसकी पत्तियां जो हैं सूख रही हैं नीचे नीचे से। तो इसको मेरे पास ये गमला रखा था उसी में लगा रही हूँ, और फिर इसमें भी मैं थोड़ा कोकोपीट और खाद मिला के कर रही हूँ। मैं इसकी रूट्स डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग हो रही है, कुछ बड्स भी बन रही है। अगर मैंने रूट्स डिस्टर्ब करी तो वो रूट्स को ही डेवलप करने में पूरा पौधा लगा देगा अपनी एनर्जी, और मेरा पौधा रह जाएगा। तो लेट्स सी, वही कर रही हूँ। अब इसमें भी पानी डाल रही हूँ, मुझे मेरा मगर ढूंढना पड़ेगा, पता है मैंने कहाँ रख दिया ये छोटू सा। अच्छा एक ना मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये जो चाइनीज वॉयलेट है इसकी एक जो लीफ स्टेम है वो थोड़ी बाहर को आ रही थी, तो मैंने उसको ना उतने से को मिट्टी में दबा दिया था। तो आज मैं चेक करने जा रही हूँ कि उसमें जड़ें निकली कि नहीं निकली। मैं बहुत केयरफुली इसे निकाल के देख रही हूँ, क्योंकि ये काफी अटका हुआ है, तो मुझे ऐसी फीलिंग है कि जड़ें तो निकल गई हैं। तो इसको मैंने पहले पानी डाला है, और ये देखो जड़ें दिख रही है आपको, देखो वाइट वाइट है ना ये सब, ये देखो जड़ें। वाव मैं तो इतना डर डर के किया था, मैंने कहा पता नहीं मेरा पौधा ही खराब ना हो जाए। अब मैंने यहाँ से ना जो स्टेम जो कनेक्टेड थी उसको काट दिया है, और अब मेरे दो पौधे हो गए। ये सही है ना, ये आइडिया मुझे अच्छा लगा। तो आज देखो मैंने मेरे जेड के प्लांट को पानी दे दिया है, मूली के पौधे लगा दिए हैं, ये सब थोड़े सीडलिंग्स बच गए हैं, और ये गेंदे का पौधा लगा दिया है। अच्छा लग रहा है, भगवान जी बचाओ मेरे पौधों को। और इनको मैंने ऑफ कैमरा अच्छे से पूरा वॉश करके पानी दिया था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। और ये चाइनीज वॉलेट के पौधे में थोड़ा कट कर आया है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।